डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर, वेयर शुड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड बिटवीन देम टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ बोथ सोर्सेज एट द सेम पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन में जब बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस को बिटवीन देम, तो कई बच्चे इस तरह से शुरू कर रहे हैं, तो वहीं पे अपना सॉल्यूशन गलत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस जो है हमें इनके बीच में लाना है, बीच में कहीं भी, मतलब एग्जैक्टली बीच में रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दो पॉइंट सोर्स आपने इस साइड रखे और लेंस इस साइड रखे तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो फिर सही डायग्राम बनाएंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकती है, जब ऐसा करेंगे तो ये वाला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अपना रियल इमेज बना लेगा यहां पे, इमेज है इसलिए ब्लैक कर रहा हूं, इसने ये रियल इमेज अपनी बना ली, और ये वाला क्या करेगा, यहीं पे अपनी एक और वर्चुअल इमेज बना लेगा उसी से ओवरलैपिंग, ये हम लोग चाहते हैं। तो ये वाला रियल बनाएगा और ये वाला वर्चुअल बनाएगा, ये हमें क्वेश्चन से ही समझना था, अब बस अपना काम आसान हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि ये पूरी डिस्टेंस 24 है, होगी भाई, ये डिस्टेंस एक्स रख लो, ये डिस्टेंस, हाँ स्टार्ट है, ये 24 माइनस x हो गई। यहां पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये जो है u1 क्या हो जाएगा, x ये लिया हम लोगों ने, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव माइनस। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी u इज ऑलवेज नेगेटिव, वो उस तरफ रखा है तब भी नेगेटिव लेंगे, याद रखिएगा, पॉजिटिव करके देखेंगे तो गलत आएगा आंसर, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव वाला मेरा रूल कभी मत भूलिएगा। ठीक है, ये उस पार है तो आप नेगेटिव रखिए। अच्छा v में इसका जो फर्स्ट वाले का v क्या है, ये है v, उसको आप प्लस वाई मान लीजिए। सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का ये है वी, लेकिन ये नेगेटिव हमने राइट साइड में भी लिया है, तो राइट साइड में होने के बाद भी इसे भी आप नेगेटिव ही लें, क्योंकि आपने क्या किया है, साइन कन्वेंशन के उस पार चले गए हैं आप। समझिए, यहां पे आप ऑप्टिकल सेंटर के उस पार चले गए हैं, उस पार आप इसे नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उस पार जाके आप इसे भी नेगेटिव बोलें, याद रखिएगा, आप अगर V2 और U2 को पॉजिटिव लेके करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए, तो U1 V1 U2 V2 ये चार चीजें हम लोगों को पता चल गई, पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशन और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए वैसी ही इक्वेशन। फोकल लेंथ हम लोग को 9 सेंटीमीटर दी हुई है, फटाफट रख दीजिए। वी वन हमारा है प्लस वाई और यू वन है माइनस एक्स। यहां पे काम कर लिया जाए, फोकल लेंथ हमारी है 1/9, V2 है हमारा माइनस वाई और माइनस माइनस 24 माइनस x। अब मजेदार बात यह है कि हमें y यानी v1 या v2 की जरूरत नहीं है, v1 y और v2 माइनस y हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि दिया हुआ है कि ओवरलैपिंग इमेजेस बन रही है ना, क्या बोल रहा है कि इमेज सेम जगह बन जा रही है, क्या इनकी भाषा सुन लेते हैं, बोथ सोर्सेज एट द सेम पॉइंट, है ना, द इमेज ऑफ बोथ सोर्सेज एट द सेम पॉइंट, ओवरलैपिंग इमेजेस बन रही है। ठीक है, हमारे लिए अब काम ये बचा, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से हम एक्स निकाल लें, एक्स जब पता चल जाएगा तभी हमें 24 माइनस x पता चल जाएगा, ये चाहिए हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि लेंस पोजीशन कहाँ होगी। ओके, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, वाई हमें चाहिए भी नहीं, है ना, वाई कैंसल हो जाएगा ऐड करने से, ये फायदा होगा, तो 1 + 2 किया हम लोगों ने, तो 1/9 + 1/9 क्या हो गया, 2/9 हो गया, 1/y - 1y क्या हो गया, 0 हो गया,
ये प्लस वन बाई एक्स है और ये प्लस वन बाई 24 माइनस एक्स है। अभी भी काम हुआ नहीं है, दूर है मंजिल। और ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड 2010 में आया था, आज से 12 साल पहले। तो यार तब भी कितना कठिन आता था आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे लिए तो कठिन है, मैं एक बार ये गलत कर चुका हूँ, ठीक है। और बहुत लोग ये एक्सेप्ट करते नहीं है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आईआईटीयन, मैं ये गलत कर चुका हूँ एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस ले लिया था, ठीक है। बीच में वीडियो में आपको ब्रेक भी दिखा होगा, आप जरा कमेंट्स में बताइए कि किस जगह आपको वीडियो में जंप दिखा, वहीं पे मैंने गलत किया था, है ना। ओके चलिए, अब ये आ जाता है 2 और ये हो गया 12। अरे यार बीजेपी को भगाओ, ईमानदारी का जमाना है अब। तो 12 9 108, इसलिए मैं भी ईमानदार बन गया हूं अब। ओके, इन दोनों को इस साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108, और ये भी 24 बनाना है तो 108 को 18 और 6 में तोड़ सकते हैं, माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108, जो फर्स्ट सोर्स है आप अगर 6 सेंटीमीटर में रखेंगे तो सेकंड सोर्स आप 18 सेंटीमीटर, फर्स्ट सोर्स अगर 6 यहाँ है तो दूसरा वाला सोर्स यहाँ पे 18 होगा, अगर यहाँ 18 है तो यहाँ पे 6 होगा। इसी बात को हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं, मस्त था सवाल। तो लेंथ हमारा अगर पहले वाले से 6 सेंटीमीटर दूर है तो दूसरे वाले से 18 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, पहले वाले से 18 सेंटीमीटर दूर है तो दूसरे वाले से 6 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए।